अविनाश जी इस बीच आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जरा अविनाश सर से भी एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर बिहार इलेक्शंस की भी काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग के बेसिस पर भी ये लीकर स्टॉक्स थोड़े तेज हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है बिहार के अंदर नशाबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला वापिस से लिया जाए, अभी ना हो 6 महीने बाद हो 1 साल बाद हो, लेकिन ये होप है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट वाला फैसला है वो शायद पलटा जाएगा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, लीकर स्टॉक यानी जो सिन गुड्स होते हैं इनसे बड़ा रेवेन्यू का कोई सोर्स ही नहीं होता, तो कितने चांसेस हैं सर यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स के अभी और चलने के? गुड मॉर्निंग डिम्पी, मुझे लग रहा है कि यू नो नतीजे किस प्रकार के आएंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आरजेडी सरकार आती है तो डेफिनेटली लिकर स्टॉक्स है जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, रेडिको खैतान है, यहाँ पे अच्छी और तेजी होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी अनलॉकिंग यू नो हुई है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे यू नो कोरोना के कारण काफी हद तक सप्लाई चेन इफेक्ट हो गई थी, तो मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और सबसे पॉपुलर और वेल यू नो मैनेज्ड और बड़ा कंपनी है इस स्पेस में, तो यहाँ पे नजर रखें। ये जो छोटे खिलाड़ी है जैसे कि रेडिको खैतान है प्लस एक दो मिडकैप जैसे एसोसिएटेड अल्कोहल है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिले अगर ये डिसीजन फ्रक्टिफाई होता है, लेकिन ये डिसीजन आने के लिए मुझे लग रहा है शायद यू नो एक आध महीना लगेगा, इमीडिएटली ना आए, लेकिन डेफिनेटली फंडामेंटल्स पे रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स ये काफी अच्छी कंपनीज है, तो इसमें डेफिनेटली अगर लॉन्गर टर्म का निवेश करने का विचार है तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करने की राय मेरी रहेगी। ठीक है, इस समय के जो आप रुझान और जो नंबर्स देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं और कुल मिला के कांटे की टक्कर जिसे हम कहते हैं ना कि दोनों के बीच में भी देखने को मिल रहे हैं, 217 सीटों के रुझान आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं और ये विधानसभा के रिजल्ट्स हैं और इस समय जो एनडीए है वो करीब करीब थोड़ा सा लीड लिए हुए हैं, आरजेडी के पास भी लीड बराबर की है, कांटे की टक्कर चल रही है और जो हमारे पास अभी तक के आंकड़े हैं उसमें करीब 100 से ज्यादा सीट अब तक एनडीए के खेमे में आ चुके हैं, रुझान प्लस विनिंग सीट्स हैं, विनिंग धीरे धीरे करके अनाउंस होते हैं और साथ ही अगर आरजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करीब करीब 100 सीटों का आंकड़ा उनके पास भी है क्योंकि कुल मिला के 243 सीटें हैं और 243 सीटों में दोनों का आंकड़ा करीब करीब 100 का है, तो ये ग्रैंड अलायंस जिसमें आरजेडी और अदर पार्टीज है जिसमें कांग्रेस भी साथ में कनेक्टेड है और एनडीए के साथ भी कुछ छोटे मोटे दल है जिसमें जेडीयू और बीजेपी का कॉम्बिनेशन है, एलजेपी किंग पिन हो सकता है, अभी बताया जा रहा है कि 6 से 7 सीटों पर वो भी आगे चल रहे हैं लेकिन अभी सीटों की गिनती ही हो रही है, ये रुझानों के बेसिस पर है और रुझान टिपिकली ज्यादा स्विंग मारते नहीं क्योंकि ये रुझान काफी हद तक करेक्ट चलते हैं, अदर्स का भी आंकड़ा इस समय काफी ठीक ठाक है, हो सकता है अगर मिडवे पे जाना पड़े तो ये लोजपा यानी कि एलजेपी और प्लस अदर्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन बाजार पे अपनी नजर है। सर बाजार के लिए कितने इंपॉर्टेंस है बिहार का इलेक्शन, सरकार बदलती या नहीं बदलती कितना फर्क पड़ने वाला है सर आंकड़ों के लिहाज से? डिम्पी जैसे मैंने तुमको पहले कहा था कि इसका काफी बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मार्केट्स पे नहीं रहेगा, आई थिंक मार्केट्स को सबसे बड़ा जो फैक्टर अभी ड्राइव कर रहा है वो क्लियरली लिक्विडिटी है और हमको लग रहा है कि ये बिहार के इलेक्शंस में अगर बीजेपी की भी हार होती है तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट इफेक्ट आपको एक दो दिन देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ी दिक्कत ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि जो कमेंट्री बाइडन साहब से आएगी लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडो चाइना के रिलेशन से, वो मार्केट्स के लिए काफी मायने रखती है और अभी जिस प्रकार से मार्केट बढ़ा है आई थिंक सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि फाइजर का कोविड वैक्सीन जल्द से जल्द इंडिया में भी उपलब्ध हो और वही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए, तो ये बिहार के इलेक्शंस में मुझे लग रहा है कि निवेशकों को कोई डरने की बात नहीं है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा एक दो दिन के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव हो क्योंकि बाजार काफी जोर से चला है, बट कोविड की वैक्सीन का जो ट्रिगर है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए आगे रहे। ठीक है, कोई रुकावट नहीं। सर आपने एक अच्छा क्वेश्चन एक पॉइंट उठाया कि जो फाइजर की नई दवा आई है, नया इंजेक्शन आया जिसका बता रहे हैं कि 90% से ज्यादा सक्सेस रेट, सर तो स्पुतनिक में भी था रशिया दवाई का, अगर ये दोनों मान लीजिए वैक्सीन नहीं भी आते तो धीरे धीरे करके कई देश तो बिना वैक्सीन के ही ठीक हो गए, जैसे चाइना जहां से फैला वहां तो कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, उससे पहले यहाँ पे कोरोना वायरस हट चुका था, खत्म हो चुका था, वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहे, हमारे यहाँ पे सब कुछ अनलॉक हो गया, तो कल सर बाइडन और इंजेक्शन दोनों का कॉम्बो था, ये खाली इंजेक्शन वाली दवा का था कि जो डाओ ने रिकॉर्ड तेजी दिखाई है, इस ज्यादा क्रेडिट आप किसको देंगे, बाइडन और इंजेक्शन?
नहीं, मुझे लग रहा है कि आई थिंक मार्केट्स कोविड के वैक्सीन को लेके बहुत ही उत्साहित है, और ये बात बराबर है क्योंकि डिम्पी चाइना में तो विदाउट विदाउट वैक्सीन कोरोना के केसेस बिल्कुल कम हो गए, लेकिन अगर हम यूएस यूरोप के कंट्रीज को देखें तो अभी हम देख रहे हैं कि वहां पे सेकंड वेव कोरोना का चालू हो गया है। इंडिया में भी काफी थोड़ी सी रिपोर्ट आई है कि दिवाली के बाद अगर ये कोरोना के नंबर्स यहाँ पे भी कम नहीं होते तो थोड़ी सी चिंता की बात रहेगी। तो कोरोना वैक्सीन के कारण ही कल मार्केट भागा था। हालांकि अभी भी ये मैं कहूंगा कि जब तक वो इंडिया में आएगी, हो सकता है कि मार्च या अप्रैल या जून भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो वो अमेरिकन लोगों को वैक्सीन देगा और उसके बाद इंडिया को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्ट जरूर हुआ है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि ये अनाउंसमेंट काफी देर तक एक्सपेक्टेड थी नवंबर में, और वो उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को ऊपर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लिक्विडिटी का सपोर्ट तो वैसे भी बाजार को मिल रहा है। निवेशकों को इतना ही ख्याल रखना चाहिए डिम्पी की ऐसे बाजार में थोड़ा सा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स चूज करें, क्योंकि हाँ सारे स्टॉक्स जो है, वेदर इट इज पेनी स्टॉक्स या ब्लू चिप स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स एक तरफा ऊपर गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने का मैं सलाह दूंगा। डेफिनेटली बाय करें, लेकिन क्वालिटी बिजनेस और अच्छे वैल्यूएशन पे ही ले, तभी आपको मुनाफा बनेगा। ठीक है। पिछले ये था कि ट्रंप जीतेंगे या बाइडन जीतेंगे, कंफर्मेशन आ चुकी है कि बाइडन ही जीत रहे हैं, बाइडन ही इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए हैं, जनवरी में जो शपथ लेंगे। दो ऐसे सेगमेंट, ऐसे सेक्टर, ऐसे शेयर्स जिसमें आपको लगता है कि हाँ वहां पे जो क्लैरिटी हुई है बाइडन के जीतने पे, वो भारत के इन दोनों शेयरों पे बहुत अच्छे से असर डालेंगे, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, वो व्हाटएवर जो भी आप उसमें बोलना चाहें। दो ऐसे शेयर कोई आपके रिसर्च हुई है, ऐसे कोई दो शेयर जिसको आपने नोटिस किया हुआ है कि अब तो कंफर्मेशन है कि बाइडन ही होंगे, और दो ऐसे शेयर जिसमें अभी भी बहुत दम है, फायदा नुकसान दोनों मिलेगा? मुझे लग रहा है कि डिम्पी देखिए, फायदे की बात करें तो दो सेक्टर्स जो मेरे ख्याल में आते हैं वो क्लियरली आईटी और फार्मा है, क्योंकि आईटी और फार्मा, जैसे हमने पहले भी आपको कहा था कि ये दोनों सेक्टर्स यूएस ड्रिवन है। अगर फार्मा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सन फार्मा है, लुपिन फार्मा है, जो ज्यादातर यूएस मार्केट्स के लिए काफी सिग्निफिकेंटली प्लेयर्स है, और इवन दो फार्मा है, यहाँ पे डेफिनेटली निवेश अभी भी हम कर सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और रही बात आईटी की, तो हमको लग रहा है कि दिग्गज कंपनी जैसे इंफोसिस है, टीसीएस है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी जरूर कमजोरी है, लेकिन एक बार बाइडन साहब आते हैं और यूएस आईटी सेक्टर के लिए जिस प्रकार का डिमांड पोटेंशियल है, जिस प्रकार का अभी कोरोना का कोविड वैक्सीन के बाद डिजिटाइजेशन के लिए स्कोप है, तो मेरे ख्याल से टीसीएस और इंफोसिस ये आईटी में डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। और जो नेगेटिव सेक्टर रहेंगे, मुझे लग रहा है कि फ्रेंकली यूएस को जो भी रेगुलेटेड सेक्टर्स है, जैसे अगेन फार्मा की बात करें, अगर यूएस एफडीए का कोई प्रॉब्लम आता है तो वापस फार्मा के लिए दिक्कत होगी, लेकिन जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है जैसे कि एंटरटेनमेंट है, एविएशन है, होटल्स है, यहाँ पे आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अभी भी दिखाई देगी, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आने के बाद तुरंत इनके बिजनेस फॉर्च्यून्स बदलेंगे नहीं, इनको कम से कम एक दो क्वार्टर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली यूएस से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है कोई नेगेटिविटी लिखेगी, लेकिन पॉजिटिव में आईटी और फार्मा आई वुड से कि अगर कोई गिरावट आपको देखने को मिलती है, जैसे आज आईटी में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, तो उस गिरावट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 6 से 12 महीने में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है सर। एक और चीज है सर जो मैं आपसे थोड़ा पता करना चाह रहा था कि डिफेंस को लेकर कोई ऐसी कंपनी, ऐसी कोई रडार पे आपकी कोई चीज जो कि अमेरिका में गवर्नमेंट बनने के बाद डिफेंस में कुछ फर्क पड़ेगा, डिफेंस से जुड़े हुए शेयर्स में, क्योंकि हम प्रिक्योर तो करते हैं रशिया, अमेरिका, इसराइल, 3 ही कंट्री हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए डिफेंस शेयर्स में अमेरिका की जीत से मुझे नहीं लग रहा है कोई डिफेंस में होगा, हालांकि हम वहां से काफी बड़ा डिफेंस रशिया से करते हैं, यूएस से भी कर सकते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक वाली कंपनियां हैं जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो इंडियन डिफेंस कंपनीज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि जहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है वहां पे हो सकता है कि कुछ टाइप्स आपको यूएस के कंपनी से हो, तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस करना जरूरी रहेगा, क्योंकि जहां जहां पे हमको लग रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब की है, गवर्नमेंट चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंडियन वाली कंपनी से आए। तो डिम्पी, मुझे नहीं लग रहा है कि यूएस के जीतने से आपको डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, हालांकि ये हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट लोकल जो मेड इन इंडिया वाली जो कंपनीज है इनके लिए और थोड़ी रियायतें दे, और इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से ये थीम यूएस रिलेटेड मार्केट से चलेगा नहीं, ये डोमेस्टिक गवर्नमेंट का जो फोकस है मेड इन इंडिया उसी के ऊपर, थोड़ा
तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दोनों ही ऐसी कंपनीज है जो हमको लग रहा है बहुत ही बड़ी ऑर्डर बुक पे बैठी है, अच्छे मार्जिन है और डेफिनेटली यहाँ पे और ऑर्डर आने की उम्मीद है, तो ये डेफिनेटली डिफेंस स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, एक चीज तो आपसे और पता करनी थी कि गवर्नमेंट को भी सरकार ने भी हिस्सेदारी बेचनी है सरकारी कंपनीज के अंदर। ये बात तो सबको पता है कि गवर्नमेंट को पैसे की बहुत सख्त जरूरत है इस समय। कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें सरकार हिस्सेदारी बेचना भी चाहती है और उसकी वैल्यूएशन भी ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है, शेयर घबरा के टूट जाते हैं कि उनको पता है कि वैल्यूएशन अच्छी नहीं आएगी बिना सोचे समझे। अब तो गवर्नमेंट रेट भी अनाउंस नहीं करती, पहले शेयर टूटने लग जाते हैं। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका तो विनिवेश हो रहा है। पास हिस्ट्री है हमारी कि जिस जिस कंपनी का सरकार ने विनिवेश किया उसका उसके बुरे दिन ही हुए शुरू, है ना। तो क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसका सरकार विनिवेश तो करना चाहती है, होना भी चाहिए और उसका रेट भी ठीक है, उससे घबराने नहीं चाहिए क्या सर? वो IRCTC है, एक एग्जांपल हो सकता है? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट डीपी IRCTC एक ऐसा IPO था जो गवर्नमेंट के उम्मीद से काफी अच्छा चला और अभी होपफुली यू नो कोविड थोड़ा सा कंट्रोल में आया है और होपफुली मार्केट में एपेटाइट भी अच्छा है। अगर अनलॉकिंग होती है, कोविड की वैक्सीन होती है, तो ऑब्वियसली जो सेक्टर्स बंद हो चुके हैं जैसे कि रेलवेज है, तो यहाँ पे आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली रेलवेज रिज्यूम होती है तो ये एक मोनोपोली प्लेयर है। इनके लिए इंटरनेट टिकट, जो पानी के जो सेल्स है, प्लस जो खाने पीने के जो यू नो सेल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी मार्जिन ये कमाते हैं। तो मुझे लग रहा है IRCTC डेफिनेटली वेल पॉइज्ड है और ऐसे खराब बाजार में भी ये शेयर अच्छी तरह से पकड़ा है, इसमें कोई भारी गिरावट भी नहीं आई और भारी तेजी भी नहीं आई है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और दूसरा शेयर डिम्पी IRCTC के अलावा आई थिंक BPCL रहेगा। BPCL में ऐसी खबरें आ रही है कि गवर्नमेंट अभी जो बोली की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं करना चाहती और जल्दी यहाँ पे कोई ना कोई नतीजा आने की उम्मीद है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 3 से 6 महीने में BPCL का भी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है और उम्मीद है कि करंट प्राइस से काफी सिग्निफिकेंट प्रीमियम से ये कोई खरीदार आके इसको खरीदेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरी 100% यू नो हिस्सेदारी बेचने की बात की है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों IRCTC और BPCL ये दोनों ही डाइवेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, दोनों BPCL IRCTC। अच्छा सर, एक और चीज आपने देखा होगा कोविड के समय में क्या हुआ था कि थोड़ा बहुत ना, मैं इसको होर्डिंग वर्ड तो इस्तेमाल नहीं दूंगा, लेकिन FMCG कंपनीज की थोड़ी प्रोडक्ट रखने लोग रख गए थे, खासकर जो कंज्यूमर्स गुड्स से, उनकी सेल्स एकदम से अच्छी भी आई, हमने शेयर्स भी चलते हुए देखे। क्या वो जो एक ओरा था जिसमें आप बहुत सारा सामान अपने यहाँ पे जमा करके रख लेते हैं, एकदम से खरीदारी करते हैं, 6 महीने का राशन एक ही महीने में ले लेते हैं, ये अब डर तो निकल गया? अब तो कोई होर्ड नहीं करता, कोई अपने घर में 6 महीने का राशन एक साथ नहीं रखेगा, अब वो जैसे रूटीन था वैसा रूटीन है। तो क्या ये ITC HUL के लिए थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं कि शेयर, क्योंकि अब जो उनको पहले बेनिफिट मिलने चाहिए थे, जो मिले भी हैं, वो अब शायद ना मिले? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट डिम्पी मुझे लग रहा है कि ITC के अलावा जो दूसरे अभी FMCG कंपनी है जहाँ पे काफी दमदार आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है, जैसे कि डाबर ने 16-17% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया था, ब्रिटानिया ने करीबन 9-10% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया था, तो ये आपने राइटली कहा कि ये जो स्टॉकिंग हुई थी पहले वो अभी शायद आने वाले 6 महीने में इतनी ज्यादा नहीं आएगी, इनफैक्ट लोग तभी खरीदेंगे जब उनको जरूरत होगी और वॉल्यूम ग्रोथ वापस यू नो नॉर्मल जो FMCG ग्रोथ का मल्टीपल होता है 6-7% वो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा गया तो नियर टर्म में डेफिनेटली थोड़ी बहुत बढ़त इन शेयरों में अभी यू नो पॉसिबल नहीं लग रही क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी फेयर टू एक्सपेंसिव है और मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली जो दूसरे सेक्टर्स है जो दबे हुए हैं जैसे कि यू नो ऑटोमोबाइल्स है, टिपिकली आपका यू नो एंटरटेनमेंट है, होटल्स है, एविएशन है, यहाँ पे जो बुरी तरह से वैल्यूएशन नीचे गई थी वहां पे बढ़ने की स्कोप ज्यादा रहेगी क्योंकि अनलॉकिंग के बाद ये सेक्टर्स वापस अपना जोर पकड़ेंगे, तो FMCG में हो सकता है कि थोड़ी बहुत नरमी आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल FY22 का आउटलुक अगर हम देखें तो अच्छी बारिश होपफुली होती है तो यहाँ पे 6-7% का एक नॉर्मल वॉल्यूम ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्री कोविड का जो लेवल है जहाँ पे आपने 16-17% का वॉल्यूम ग्रोथ देखा था, ये वंस इन अ काइंड ऑफ टाइम आता है, ये बार बार हर यू नो साल आना जरा मुश्किल लगता है। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको देखिएगा अगर आपके एक स्टॉक आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे हो वो है मैरिको, अभी आप इस अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डाबर, ये सभी शेयर्स मार्केट के इस रिकॉर्ड हाई में उतनी पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए। ये डाबर देखिए अभी 515 के आसपास चल रहा है, इसी तरह से ब्रिटानिया भी आप देख सकते हैं, ब्रिटानिया के अंदर भी कुछ वैसा ही रुझान है आपको दिख रहा होगा, जो मार्केट का हाई बन रहा है, बल्कि ये अपनी हाई से भी थोड़ा कोसों दूर है,
हाई तो छोड़ दीजिए, अपने कंसोलिडेशन की भी लोअर एज को टेस्ट टेस्ट करने जा रहे हैं। आईटीसी तो खैर चला ही नहीं था, इसके साथ तो खैर दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी चल रही है क्योंकि इसका मेजर हिस्सा तो सिम गुड्स वाला भी है, तो इसके तो खैर गेम ही अलग थी। एक शेयर सर, एक सेक्टर में को थोड़ा आपसे और पता करना था कि कहीं शिफ्टिंग, कहीं रोटेशन हो सकती है क्या? जैसे भी बहुत हद तक बैंकिंग चला, रिलायंस चला, अब रिलायंस तो रुक गया चलना, बैंकिंग का कहीं शिफ्टिंग हो सकती है कि हाँ ये वाला पैसा अब छूट के कहीं और जाएगा, या कहीं रोटेशनल कोई चेंज ऐसा होगा? ना आई थिंक डीपी, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में हमको लग रहा है कि अभी भी सेक्टर ने पूरी तरह से चाल पकड़ी नहीं है और काफी तेजी के लिए जगह है। स्पेशली अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी सिग्निफिकेंटली अपसाइड का पोटेंशियल है, तो यहाँ से पैसा शिफ्ट होना शायद डिफिकल्ट होगा। और यहाँ पे जो अच्छा करेंगे, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, ये सारे जो बैंक्स है इन्होंने अभी शुरुआत में ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया, आने वाले 6 महीने में और भी अच्छी तेजी आएगी। लेकिन जो सेक्टर्स वल्नरेबल है वो ऑब्वियसली एफएमसीजी है, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत नरमी और गिरावट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत शिफ्टिंग आपको ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, यू नो एविएशन, होटल्स, ये सारे सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई इमीडिएटली वैल्यूएशन देखेगा, सेंटिमेंट अच्छा है और ऑब्वियसली अनलॉकिंग और कोविड वैक्सीन का अगर यू नो इंट्रोडक्शन होता है तो ये सेक्टर्स में आपको निचले लेवल से काफी ऊपरी लेवल देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे सेक्टर्स नजर पे रखिए और हो सकता है कि आने वाले 6 से 8 महीने में यहाँ से काफी अच्छे आउट परफॉर्मेंस यू नो मार्केट को मिले। ठीक है सर, एक लास्ट, एक तो आपके कन्विक्शन वाले शेयर्स जिसमें आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, एक तो मेरे को जरा वो शेयर्स बता दीजिए। इफेक्ट डिम्पी, एक कन्विक्शन वाला शेयर है और एक दूसरा शेयर जो हमने अभी आपके शो पे पहले भी कहा है वो भी मैं बताना चाहूंगा। पहला शेयर जो कन्विक्शन वाला शेयर है वो ऑटो कंपोनेंट्स प्ले में जमुना ऑटो है। अभी जमुना ऑटो में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, इन्होंने 150 करोड़ का कर्जा से करीबन यू नो 10 करोड़ का कर्जा लाया है, तो कंपनी ने दूसरे तिमाही में अपने फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छे किए हैं, करीबन 8 करोड़ का प्रॉफिट किया है जो पहले क्वार्टर में 11 करोड़ का लॉस था। इस कंपनी की सबसे बड़ी जो चीज मुझे पसंद है ये है कि बेसिकली ये 65% मार्केट शेयर अपने प्रोडक्ट में कमांड करते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर कमर्शियल व्हीकल की स्क्रैपेज पॉलिसी अगले 3 या 6 महीने में आती है तो इनके लिए बहुत बड़ा बोनांजो आएगा। मैं समझता हूँ कि इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जितने नए ट्रक आते हैं इनके लिए नया डिमांड जनरेट होगा, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि कमर्शियल व्हीकल यू नो ट्रक्स में एक अच्छी बात देखिए कि अक्टूबर के महीने में टाटा मोटर ने 27% का ग्रोथ, अशोक लेलैंड ने 13% का ग्रोथ दिखाया, तो ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल की जो स्टोरी है वो अभी बॉटम आउट हो गई है और यहाँ पे रिवाइवल साइंस दिख रही है, तो ये डेफिनेटली शेयर के लिए अच्छा रहेगा। और करीबन 55-60 का टारगेट मुझे लग रहा है कम से कम 6-8 महीने में पॉसिबल है, तो ये पहला विकल्प रहेगा। और दूसरा विकल्प डिम्पी, हमने जो पहले आपको GNFC बोला था, इस कंपनी के नतीजे Q2 पे आ गए, बहुत ही दमदार नतीजे, करीबन 140 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने दूसरे तिमाही में रिकॉर्ड किया है जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में मुश्किल से 3 करोड़ था। कंपनी ने ये भी माना है कि TDI के प्राइसेस बढ़े हैं और हमको लग रहा है कि दूसरा जो हाफ होगा यहाँ पे कंपनी कम से कम यू नो 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, तो कंपनी करीबन 10 या 11 के पी पे अभी मिल रही है। हालांकि स्टॉक हमारे कहने के बाद थोड़ा सा जरूर गिरा है, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी 70-80% दिख रही है, तो इसका मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली साल भर का नजरिया रखें, हमको लग रहा है कि यहाँ पे 260-275 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बिल्कुल हो सकता है सर, और वो मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि जब तक ये अपने कंसोलिडेशन की पूरी रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक इस शेयर के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी 199 अराउंड अभी चल रहा है शेयर, लेकिन इसके पास अच्छा बेस है, एक तो 181 का बेस है और दूसरा 190 वाला बेस भी इसके लिए काम का है, और मेरे को लग रहा है कि कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है। अगर कंसोलिडेशन हुआ और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ तो बहुत जोरदार चलेगा, 225 और उससे कहीं ऊपर के जाने के भी चांसेस है। अविनाश सर, एक चलते चलते बस एक चीज आपसे और पता करनी थी, जैसे बाइडन आए हैं तो ये चाइना के साथ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आपका एनालिसिस क्या है कि नेशनलिस्टिक फीलिंग में रखेंगे, चाइना वाले मुद्दे को हवा दिए रखेंगे जैसे ट्रंप ने भी देख के रखा, दूसरा अगर ऐसा ये नहीं करने वाले और चाइना के साथ आराम से टेबल पे बैठ के सब चीजों को समझ के मैटर को सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि मेटल स्टॉक्स में बहुत बड़ी एक बाइंग बाकी है, ये पैसा शिफ्ट होके जो बैंकिंग में अभी भी चल रहा है ये मेटल्स में भी जाएगा क्योंकि ग्लोबल पहिया चलेगा, तो फिर आप अमेरिका है, चाइना है, आप कुछ भी है?
नहीं बिल्कुल रिम्पी, देखिए अभी ये कहना मुश्किल है कि कैसा रवैया बाइडन साहब चाइना की तरफ रखते हैं, लेकिन अगर हम 50-50% चांसेस ले कि वो टेबल पे बैठ के बात करके इसका कोई मसला निकालते हैं, तो मार्केट्स को ये बात बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ट्रेड वॉर से कुछ बनने वाला नहीं है। और ऑब्वियसली अमेरिका अपने कंट्री के जो प्रोडक्शन वाले कंपनीज है उनको तो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन मेटल सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी हमने देखा है कि मेटल के प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, अगर हम वेदांता का नंबर देखें या स्टील अथॉरिटी के नंबर देखे, जेएसडब्ल्यू स्टील देखे, तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, वॉल्यूम बढ़ा है, और होपफुली यहाँ पे भी डोमेस्टिक मार्केट में इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत ओपन अप होगी अनलॉकिंग के बाद, तो मेटल कंपनीज के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव बात रहेगी। इनफैक्ट इनके लिए काफी बड़ा ट्रिगर रहेगा, और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस अभी भी काफी इनके फेवर में है, तो टाटा स्टील कहिए या हिंडालको कहिए या जेएसडब्ल्यू स्टील कहिए, मुझे लग रहा है कि ये वही ऐसे कंपनीज है जहां पे यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेटल पे डेफिनेटली मैं भी पॉजिटिव हूँ, और ये डेवलपमेंट अगर होता है तो इसमें अच्छी तेजी पॉसिबल है, क्योंकि काफी समय तक मेटल सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बोलिए थोड़ा ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जमुना ऑटो बताने के लिए, बेहतरीन स्टॉक है जिसको हम पहले भी नोटिस करते रहे हैं, और जीएनएफसी ये दूसरा शेयर सर की तरफ से आज दिया गया। अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।